क्या तेजस्वी प्रकाश को कॉपी कर रहे हैं मुनावर फारूकी? क्या तेजस्वी प्रकाश के ही फुटस्टेप्स पर मुनावर चल रहे हैं? ये पूरी बात और ये पूरा माजरा क्या है और किस बारे में ये अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश ने पिछले सीजन की ट्रॉफी चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की थी और उसके बाद से लेकर अब तक तेजस्वी प्रकाश नंबर वन सेलिब्रिटी, नंबर वन स्टार बनी हुई है। लेकिन क्या मुनावर भी इसी पैंतरे को अपना रहे हैं? क्या मुनावर भी सिमिलर पैटर्न्स अपने करियर में फॉलो कर रहे हैं? देखिए, जब मुनावर का नाम लॉकअप के लिए आया था तब शायद उनकी पॉपुलैरिटी थी, ऑफकोर्स थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी लॉकअप के अंदर जाने के बाद हो गई। और अब जब वो लॉकअप से निकले हैं तो वो ऑलरेडी लॉकअप जैसे सुपरहिट शो के विनर बन चुके हैं। उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की, 20 लाख रुपए उन्हें मिले, गाड़ी मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो प्यार मिला जनता का वो तो है ही बोनस, वो तो है ही छप्पड़ फाड़। लेकिन रिसेंटली मुनावर फारूकी लाइव आए और लाइव सेशन में मुनावर ने आकर कन्फर्म किया, फैंस ने बहुत रिक्वेस्ट करके पूछा कि प्लीज बता दो बिग बॉस में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बिग बॉस 16 का कन्फर्मेशन दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सारे कन्फर्मेशन पर मुनावर ने पानी फेरते हुए कह दिया कि मैं बिग बॉस नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद फैंस को लग रहा है कि मुनावर झूठ कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि पिछले साल ऐसा ही कुछ तेजस्वी प्रकाश ने किया था। बिग बॉस में पिछले साल तेजस्वी प्रकाश एंटर हुई, फैंस हैरान थे, हर कोई शॉक्ड था तेजस्वी को सेट पर देखकर, बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड पर देखकर। और फिर वो दिन आया जब तेजस्वी ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, उन्होंने जीत लिया बिग बॉस। देखिए, जब एंटर करने से पहले बिग बॉस सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश ने एक इंटरव्यू किया था, वहां पर फैंस के सवालों के जब जवाब देने की बारी आई तो फैंस द्वारा पूछा गया सवाल था कि क्या आप बिग बॉस में जा रही हैं, क्योंकि पिछले साल तेजस्वी का नाम भी बहुत ज्यादा था कि इस सीजन में तेजस्वी प्रकाश आने वाली है, तेजस्वी एंटर करेंगी, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तेजस्वी ने बिग बॉस शुरू होने के 4 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें भी तेजस्वी ने ये कह दिया कि मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ, बिग बॉस इज नॉट माय कप ऑफ टी। उसके बाद 4 दिन बाद तेजस्वी लिटरली बिग बॉस के सेट पर खड़ी थी, बिग बॉस के प्रीमियर पर स्टेज पर खड़ी थी सलमान के सामने। तो भाई जाहिर सी बात है कि तेजस्वी सस्पेंस बरकरार रखना चाहती थी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में थी इसीलिए वो नहीं बता सकती थी कि वो बिग बॉस कर रही हैं, या उन्हें इस रीजन से झूठ बोलना पड़ा। लेकिन अब फैंस को लग रहा है कि अगर तेजस्वी ऐसा कर सकती थी कि यू नो वो नहीं बता सकती थी फैंस को कि वो शो कर रही हैं, 4 दिन पहले भी तेजस्वी ने झूठ कह दिया था कि वो नहीं कर रही हैं शो, और फिर सरप्राइज तेजस्वी सीधा सीधा सेट पर थी, तो मुनावर भी शायद ऐसा ही कर रहे हैं और इसीलिए फैंस को लगता है कि मुनावर फारूकी जो हैं वो शो पर जरूर आने वाले हैं और उन्होंने शो का प्रोमो शूट कर लिया है, सब कुछ हो चुका है, बस वो झूठ कह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रकाश के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं मुनावर फारूकी।